जय हिंद दोस्तों, राम राम जी। क्या हाल आप सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ शिव वर्मा, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम सिटी में घूमेंगे, सिटी में दो तीन जगह अलग अलग घूमेंगे आज हम। पहले जाएंगे हम शिमला पहाड़ी चौक, वहाँ से फिर चल के सीधा निकलेंगे हम बूला पहाड़ी चौक, वहाँ से बूला पहाड़ी से फिर जाएंगे हम बजवाड़ा चौक तक, यानी कि जहाँ पर राधा स्वामियों का सत्संग घर है, वहाँ उस चौक तक जाएंगे। वहाँ से फिर बाहर बाहर से निकल जाएंगे हम ऊना रोड जो सिटी के अंदर जा रही है, और वहाँ से फिर हम बाहर निकलेंगे तो सीधा चंडीगढ़ बाईपास, और फिर बाहर बाहर से रिंग रोड, या आप वैसे भी उसके हाईवे कह सकते हैं, वहाँ से होते हुए आएंगे। तो वीडियो आप एंड तक देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर हल्का का बटन दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, ताकि वो लोग वीडियो देख सकें। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, लाइक का बटन जरूर दबा देना। तो चले करें शुरू। लो जी मित्रों, पहुंच गए हैं शिमला पहाड़ी चौक। यह है शिमला पहाड़ी चौक, यहाँ से सीधा रास्ता जा रहा सिटी की तरफ, और ये जा रहा चंडीगढ़ की तरफ। और ये जा रहा जी बहादुरपुर चौक धोबीघाट रोड की तरफ, ये भी सिटी की तरफ ही जा रहा है, और हमको जाना है इस तरफ। और ये जा रहा जी बूलापहाड़ी ऊना रोड की तरफ, और ये रहा हमारा शेर सिंह। आज हम इसी पे सैर करेंगे, सिटी टूर करेंगे आज हम। तो चल पड़े हैं जी हम ऊना रोड की तरफ। ये है गौतम नगर, शिमला पहाड़ी के पास ही पड़ता है जी सारा, काफ़ी पॉश इलाका है ये शहर का, काफ़ी महंगे प्रॉपर्टी भी है यहाँ पे। तो ये हम जा रहे हैं बूलापहाड़ी की तरफ, वहाँ से फिर हम निकलेंगे बजवाड़ा की तरफ। वीडियो पूरा एंड तक देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ये हम सिटी टूर करेंगे आज हम स्कूटर पे। ये सारा मतलब के जो इलाका है ना, ये है गौतम नगर, काफ़ी महंगा इलाका है जी होशियारपुर का, काफ़ी महंगी प्रॉपर्टी है। ये जा रहा है बहादुरपुर की तरफ रास्ता, और हम चलेंगे सीधा। काफ़ी बड़े बड़े घर बने हुए हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छी दुकानें हैं यहाँ पे। इस रोड पे भी थोड़ा सा ना रश होने लग गया है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन कोर्ट जो है ना वो इस तरफ आ गए हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी लोग इधर आने जाने लग गए हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे स्कूल हैं इस तरफ, इंग्लिश मीडियम स्कूल, सरकारी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सब कुछ है इधर इस रोड पे, और काफ़ी बढ़िया इलाका है ये। यहाँ पर आपको मार्केट बहुत अच्छी मिलेगी, हर तरह की शॉप है इधर, किराना, मनियारी, मेडिकल शॉप, सब कुछ है यहाँ पे, किसी चीज़ की कमी नहीं है यहाँ पर। आप में से किस किसी ने ये इलाका देखा हो जरूर कमेंट करें। किसी टाइम में जो सब खेती खेत हुआ करते थे, ये देखिए स्कूल है बना हुआ है, और अब तो ऐसी बिल्डिंगें बन चुकी हैं कि खेत तो दिखते नहीं कहीं यहाँ पर। पुराने टाइम में हम इधर आया करते थे, सारे खेती खेत हुआ करते थे दोनों तरफ, और अब ये सबसे बेस्ट इलाका बना है शहर का। वैसे थोड़ी दूर सामने आ जाएगा बूलापहाड़ी चौक, मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी कॉलोनियाँ बनी हुई दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ ना बहुत अच्छी कॉलोनियाँ बनी हैं, और बहुत अच्छे घर बने हुए हैं। मार्केट भी यहाँ काफ़ी मतलब पॉश इलाका है, तो वह मार्केट भी उस हिसाब से अच्छी बनी हुई है यहाँ पे। अभी मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा वीडियो ना टू व्हीलर पर घूम के दिखाऊंगा आपको, स्कूटर पे घूम के, और क्योंकि इस तरह ठीक रहता है सिटी टूर। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद है तो कमेंट जरूर करना,
तो फिर ऐसे वीडियो बना दिया करेंगे। स्कूल के बच्चों की छुट्टी हुई है तो बसें चल पड़ी हैं, दोपहर का टाइम है और मार्च का महीने का हाफ हो गया, गर्मी बढ़ने लग गई है क्योंकि तो कैमरा गर्म होने लगे वीडियो बनाते ही। ये आ गया जी सामने बुलाबड़ी चौक, ये जी बुलाबड़ी चौक, यहाँ से एक रास्ता जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन कोर्ट की तरफ, मैं आगे चल के दिखाता हूँ आपको, और एक जाता हूँ नरोड की तरफ। ये जा रहा रास्ता डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट की तरफ, और ये जा रहा मुन्ना नंगल, कुल्लू मनाली, अनंतपुर साहब, कीर्तपुर साहब, नैना देवी, ये जा रहा रास्ता यहाँ पे हम चल रहे हैं अभी इस टाइम। और ये काफ़ी नया बना है अभी, ये 3-4 साल के अंदर ही ये सारा डेवलप हो गया है, काफ़ी नई मार्केट बनी हुई, आगे चल के दिखाता हूँ आपको। ये सारे ऐसे काफ़ी अच्छे घर बने हैं यहाँ पे, और पहले जी इस तरह से खेत हुआ करते थे सारे, कुछ इस तरह से थे पहले, और अब आप आगे जा कर देखना आप कि कैसा जो डेवलप हुआ इलाका, बहुत ही खूबसूरत बना है। ये सब वही रोड चल रही है, सारी नई दुकानें बनी है राइट साइड पे, लेफ्ट राइट दोनों साइड की नई दुकानें बनी है, और इस दोनों में कॉलोनियाँ बनी हुई आगे। ये सारी दोनों साइड की नई दुकानें हैं, ये पेट्रोल पंप काफ़ी पुराना है यहाँ पे, अभी बस कुछ 4-5 साल के अंदर ही सारा हो गया डेवलप एकदम से। देखिए सब नई कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, उधर आके भी दिखाता हूँ आपको आगे चल के, ऐसे बहुत से इलाके नए डेवलप हो रहे हैं शहर को। ये देखिए ये भी कॉलोनियाँ बन गई, अंदर सारे इसके कोठियाँ बनी हुई हैं, तो कुल मिला के देखा जाए तो मतलब होशियारपुर में तरक्की तो हो रही है। यहाँ पर ये बच्चों का स्कूल है राइट साइड में मेरे, ये वाला ये स्कूल है बच्चों का, छुट्टी हुई है अभी, बसें लग गई आके, दोपहर का टाइम है ना, जिधर जिधर बसें जा रही हैं उस रूट के बच्चे आगे बैठ गए हैं बसों में। यहाँ पर बजवाड़ा से थोड़ा सा आगे जाएंगे जहानकेला की तरफ तो मेडिकल कॉलेज भी है, वो बजवाड़ा से थोड़ा सा आगे जाके राइट हैंड पे पड़ेगा मेडिकल कॉलेज। पूरे देश से बच्चे आते हैं उधर पढ़ने के लिए, और एक सीधा एक तो मैंने एक हाथ से हैंडल पकड़ा हुआ है, एक हाथ से कैमरा, चौथे गियर में मैंने स्कूटर डाल रखा है, ना इसकी ब्रेक लगनी ना मेरी, ये सीधे एकदम से सड़क पे आ जाते हैं। और ये सामने आ गया जी पंजवाड़ा, इसका वीडियो मैंने पहले बना रखा है, ये राधा स्वामी सत्संग घर वाला चौंक है, ये है जी राधा स्वामी सत्संग घर, और ये चौंक है सामने, यहाँ से हम अभी राइट मुड़ेंगे तो ऊना रोड की तरफ ही चलेंगे। इधर कार जा रही थी इस तरफ जाएंगे भैया, तो यही सारा ऊना रोड, पुराने टाइम इधर से सब बसें चलती थी लेकिन अब तो सारी उधर से दशहरा रोड की तरफ से निकल जाती थी। ये बनाया था बसों के आने जाने के लिए, ये हैवी ट्रैफिक के आने जाने के लिए बनाया था जो बार बार थे, लेकिन हैवी ट्रैफिक में ट्रक ट्रुक तो उधर से आ जाते हैं पर बस वाले उधर से शहर से निकल जाते हैं, उनको वो नज़दीक लगता है, ये थोड़ा सा दूर है भी क्योंकि आगे जाके फिर रिंग रोड से या हाईवे से जाके अटैच हो जाता है, तो बाहर बाहर से फिर घूम के जाना पड़ता है परसेंटेज, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है यहाँ से, तो बस वाले शॉर्टकट मारते हैं वो बजवाड़ा चौक से दशहरा ग्राउंड की तरफ मुड़ जाते हैं, उधर से निकल जाते हैं। तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात है, कुछ प्राइवेट बसें आती भी इधर से निकलती हुई, मैं दिखाता हूँ आपको, वो एक आधी आ रही होगी तो मैं दिखाऊंगा आपको, कुछ आती भी इधर से प्राइवेट बसें,
बाकी मैंने बताया ही आपको कि यहाँ से आप ऊना नंगा कुल्लू मनाली जा सकते हैं, वहाँ नैना देवी अनंतपुर साहब वीरपुर साहब भी आप जा सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर आल का बटन दबा दो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ताकि वो लोग वीडियो देख सकें। बहुत से लोग वीडियो देखते हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं लगता। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, लाइक का बटन जरूर दबा देना क्योंकि इससे थोड़ा सा हमारा हौसला बढ़ जाता है। ये जो रास्ता जा रहा है ना, ये जा रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन कोर्ट की तरफ ये, और इस तरफ जा रहा है ये बजवाड़ा की तरफ गांव की तरफ, हमको तो सीधे जाना है। ये भी इलाका जो है ना, मतलब काफ़ी डेवलप हो रहा है, यहाँ पर भी बहुत कॉलोनियाँ नई बनी हैं और काफ़ी मार्केट यहाँ बन भी रही है, और आने वाले टाइम में जो पॉश इलाका बनेगा शहर का, बहुत ही बढ़िया इलाका जो बनेगा शहर का आने वाले टाइम में। अभी देखना 4-5 साल बाद ये कितना डेवलप हो जाएगा। बस चलते जाइए चलते जाइए, वीडियो देखते जाइए, पूरा एंड तक आपको दिखाऊंगा, आपको रिंग रोड भी दिखाऊंगा मैं, वो चंडीगढ़ बाईपास, रिंग रोड कह लीजिए, हाईवे कह लीजिए, जब कुछ भी कह लीजिए, वहाँ मैं तो रिंग रोड ही कह देता हूँ क्योंकि अगर चंडीगढ़ से बाईपास से आपको लुधियाना बाईपास जलंधर बाईपास तक जाके निकलता है जी, तो ये भी ऊना रोड है, ये भी उससे अटैच हो जाता है आगे जाके, मैं दिखाता हूँ आपको आगे जाके। काफ़ी अच्छी बिल्डिंगें बन रही है यहाँ पे, कमर्शियल इलाका बनता जा रहा है ये अगला सारा, ये गांव वगैरह में से आके सड़क जहाँ मिलती है इस रोड पे, तो ये चौंकसा बन जाता है यहाँ पर एक, हम तो सीधे ही चलेंगे ना की सीध पे। थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है इस रोड पे भी, ये देखिए ये बसें आ रही हैं बाहर बाहर से जा रही है प्राइवेट बसें, ये बस अड्डे से आ रही है बस ऊना नंगल जा रही है जी। आप कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट जरूर करना, अपनी सिटी का नाम और कंट्री का नाम जरूर लिखना, जो कि ये सारा खेत है, आने वाले टाइम में यहाँ कोई खेत नज़र नहीं आएगा, सब इधर कॉलोनियाँ कट जाएंगी, कमर्शियल इलाके बन जाएंगे, दुकानें मॉल वगैरह सब बन जाएंगे इधर आने वाले टाइम में, यही सब होना है यहाँ पर। कई जगह तो यहाँ कॉलोनियाँ कटी भी हुई हैं, कई कॉलोनियाँ बनी भी हुई हैं यहाँ पर, ये सारा ये सारी नई दुकानें बनी हैं, ये बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है, मार्बल वगैरह की मार्बल शॉप है ये। अभी चलते हैं चंडीगढ़ चौक की तरफ। लो जी मित्रों, ये है चंडीगढ़ बाईपास, और ये चंडीगढ़ बाईपास पे आ गए हम लोग, इस तरफ ये चंडीगढ़ की तरफ जा रहा रास्ता और इस तरफ जा रहा है होशियारपुर सिटी के अंदर एंटर, हमको जाना इस तरफ, तो यहाँ से सीधा निकलेंगे और सीधा जाएंगे हम रिंग रोड पे। यहाँ भी काफ़ी अच्छी मार्केट है, जो अगर आपको पुरानी कारें चाहिए होंगी तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी मार्केट इधर मिलेगी आपको, ओल्ड कार कई सही रेट पे दे देते हैं ये गाड़ियाँ, काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ इनके पास होती है, और काफ़ी बड़ी मार्केट है ये। और ये हाईवे है ये, अगर आप चंडीगढ़ से आते हैं तो बाहर बाहर आपको जलंधर जाना है तो इस रोड से आप निकल सकते हैं। मैं तो वैसे इसको रिंग रोड बोल देता हूँ, लोग इसको चंडीगढ़ बाईपास या अपना फगवाड़ा बाईपास ऐसे या पूरी हीरा बाईपास ऐसे बोल देते हैं।
खेती बाड़ी की जमीनें इधर बहुत है, खुला खुला इलाका है ये बहुत काफ़ी काफ़ी भी मतलब कि ये खुला खुला इलाका है ये, और ये भी डेवलप हो रहा है काफ़ी, यहाँ पर भी काफ़ी मतलब कि जमीनें बिकती जा रही है। ये सारे गांव वगैरह में जा रहे हैं रास्ते आगे, इसके आसपास गांव भी बहुत है। ये सारा मतलब कि उस तरफ ही जा रहा है रास्ता जो, ये हम सीधे निकलेंगे अभी यहाँ से। यहाँ रश रहता है काफ़ी, हैवी ट्रैफिक का रश होता है इधर, ट्रक बस इधर बहुत चलते हैं। देखिए ये सामने एक निकल रहा है, एक नहीं उधर जा रहा है, तो ये जाम लगा देते हैं, इसलिए इधर मुड़ रहे हैं, वो वहाँ से निकल रहा है। ये है सारी इधर जमीन खेती बाड़ी की, ये ऐसी नई बिल्डिंग भी काफ़ी बन रही है, तरक्की होती जा रही है बस, एग्रीकल्चर लैंड खत्म होती जा रही है। इधर हैवी ट्रैफिक बहुत है, जैसा कि मैंने बताया था कि बाहर बाहर से जाने के लिए रास्ता है, सारे बस ट्रक इधर से जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी ढाबे रेस्टोरेंट बन रहे हैं, होटल भी इधर काफ़ी बन रहे हैं, पेट्रोल पम्प भी है यहाँ पे, और खेती बाड़ी की ज़मीनें तो आप देख ही रहे हैं काफ़ी है यहाँ पर। उसके साथ साथ इधर काफ़ी गांव भी लगते हैं, यहाँ पर फंक्शन चल रहा है, तो पीर बाबा जी का फंक्शन हो रहा है यहाँ पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और भी बेहतर वीडियो आपके लिए लेकर आए। यहाँ भी ओल्ड कारें मिलती हैं, बस डेवलप होता जा रहा है ये काफ़ी इलाका, मतलब बिल्डिंगें बिल्डिंगें बनती जा रही हैं। ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, अगर किसी ने कॉलोनी बनानी हो तो इधर ज़मीनें काफ़ी खुली हैं, काफ़ी अच्छी कॉलोनी बन जाएगी यहाँ पर। अगर किसी ने पहले ये इलाका देखा हुआ है तो जरूर कमेंट करें, देखिए ये कितना खूबसूरत ज़मीन है यहाँ पे, कितना खुला खुला इलाका है ये, शांति भी इधर बहुत है, लेकिन थोड़ा सा ट्रैफिक का शोर रहता है, वैसे तो अदरवाइज यहाँ पर कोई ऐसी शोर शराबा नहीं है, गाड़ियाँ गुड़ियाँ चलती हैं तो उन्हीं की थोड़ी सी आवाज़ आती है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट से पता चलता है हमें कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, और वही रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर कर देना वीडियो को। इससे आप यहाँ से आगे लुधियाना जा सकते हैं, जलंधर, अमृतसर, कपूरथला, नकोदर, लुधियाना से फिर आप बठिंडा पटियाला की तरफ ही जा सकते हैं इस रोड से, और अगर आप पीछे की तरफ जाओगे, मेरे इधर से मैं आया हूँ चंडीगढ़ बाईपास, मैंने आपको दिखाया था ना, वहाँ से फिर आप दिल्ली, चंडीगढ़, हरिद्वार कहीं भी जा सकते हैं, किधर भी निकल सकते हैं, रास्ता पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाता है। हाँ जी दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कर देना, आपके कमेंट आने से हमें पता चलता है कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर अलग का बटन दबा लो, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, साथ के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, ताकि वो लोग वीडियो देख सकें।
बहुत से लोग वीडियो देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और लाइक का बटन जरूर दबा देना, आपके लिए बहुत आसान है लाइक करना, और थोड़ा सा हमारा हौसला बढ़ जाता है, हम और भी अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं फिर जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।